हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सारे मस्त होंगे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में तुम्हारा भाई बताने वाला है कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। स्क्रीन पर आपको पिक दिख रही होगी गाइस, बहुत बूम पिक बनाई है तुम्हारे भाई ने एडिट करके। और गाइस बहुत से कमेंट्स आते हैं भाई ये बताओ मैं फेस स्मूथ और गाइस हेयर एडिटिंग प्लस गाइस हमारे गूगल जो चश्मे रहते हैं उसमें कलर कैसे डालते हैं। तो गाइस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे दोनों चीज, तीनों चीज तुम्हारे भाई ने बता रखी है इस वाली वीडियो में कलर करेक्शन। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस, वीडियो तो लाइक नहीं करता है लाइक कर देना, बहुत कुछ इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो गाइस ये चीज सब सीखनी है तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट डू इट। ओके गाइस, फर्स्ट स्टेप आता है हमारे कलर ग्रेडिंग, जो कि गाइस हमने लाइट रूम ओपन करा है इसके लिए। ओके तो लाइट रूम में हम कलर ग्रेडिंग करते हैं, तो पहला जो सेक्शन आता है, पहला जो मेन पॉइंट है हमारी एडिटिंग का, वो है गाइस लाइटिंग कंडीशन। तो लाइटिंग आपको कंडीशन देखनी है तो गाइस पहले आपको जो शेडो है हमारी, आप तो शाम की पिक थी तो इसमें शेडो वगैरह कुछ नहीं था, तो हम शेडो को थोड़ा बढ़ाएंगे तो गाइस फोटो थोड़ा लुक आ जाए, हमारी लाइटिंग आ जाए। ओके तो यहाँ पर सही लग रहा है, वाइट लाइन्स को देखते हैं, वाइट लाइन्स पर बढ़ाएंगे हम, तो जो कि हमारी हाईलाइट है पीछे की वो वापस आ जाए। तो हमारी जो ये वाली हाईलाइट है इसको माइनस करेंगे, हाईलाइट को माइनस करने के बाद सही लुक लग रही है। ब्लैक को देखते हैं कहाँ पर सही लग रहा है हमारा। ओके तो ब्लैक को हम थोड़ा सा हल्का सा माइनस करते हैं, जो कि हमारा फोटो ज़्यादा ही वाइट वाइट हो गया था, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी नहीं है फोटो में, तो कॉन्ट्रास्ट हम बढ़ाएंगे इसमें। तो कॉन्ट्रास्ट हम ले आए, देखो फोटो की लुक हमारी वापस आ चुकी है, देखो बिफोर ये आफ्टर। तो भाई लुक तो हमारी वापस आ चुकी है, अब जाएंगे कलर्स में। तो मिक्स टूल जो हमारा ये था थर्मामीटर वाला ऑप्शन, तो इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर टैम, टिंट, वाइब्रेशन, सैचुरेशन, तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सैचुरेशन को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, तो आपको वाइब्रेंस बढ़ाना है इस फोटो का। तो वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद आपके कलर करेक्शन जो आपके बैकग्राउंड में कलर वगैरह है वो आपके फोटो पे वापस आ जाएंगे। आप सैचुरेशन बढ़ाते तो फोटो के सैचुरेशन बढ़ता फेस वगैरह, तो इसलिए मैंने सैचुरेशन को मना करा है। तो ओके तो यहाँ पर हम जीरो पर ले आते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन लाने के बाद आप मिक्स टूल ओपन करते हैं। मिक्स टूल ओपन करने के बाद आपको इस बैकग्राउंड में ग्रीन और येलो कलर दिख रहा होगा, तो वही ये आपको पहले देखने हैं कहाँ पर सही लग रहा है। तो मैं इसमें येलो टोन डालने वाला हूँ, तो मैं ग्रीन को माइनस कर देता हूँ। ओके तो येलो कलर पर जाएंगे, इसकी भी सैचुरेशन मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद येलो टोन आ चुके हैं। ओके जो भी आपको टोन डालने वो डाल लेना, तो ब्लैक टोन डालने तो आप सैचुरेशन दोनों की माइनस कर सकते हो, ग्रीन की और येलो की। ओके तो बता दिया तुम्हारा भाई ने, जो सी आपको टोन डालने वो टोन डाल लेना। तो मुझे येलो बढ़िया लग रही, तो येलो पर आ चुके हैं। ओके तो अब जाना है सबको फेस पर, तो फेस पर आप देख सकते हो सैचुरेशन हमारी फेस पर, तो आपको जाना है वाला ऑरेंज वाला ऑप्शन चूज करना है, इसकी सैचुरेशन जो माइनस कर देनी है। माइनस करने के बाद सैचुरेशन तो गायब, अब गाइस जो लुमियंस है वो आपको बढ़ा देना है। तो लुमियंस बढ़ाने के बाद हमारा फेस हो जाएगा ब्राइट, जो कि गाइस वाइट हो जाएगा बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में। तो यहाँ पर सही लग रहा है, देखो बिफोर आफ्टर। तो गाइस कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है हमारी फोटो की। तो रेड कलर देखते हैं, रेड कलर की हम लुमियंस बढ़ा देंगे हल्की सी, सही लग रहा है। सही लगने के बाद जो हमारा ब्लू कलर है सैचुरेशन बढ़ाऊंगा इसकी भी मैं, और जो हमारे कपड़े हैं उन पर देखता हूँ कहाँ पर कलर सही लग रहा है। तो लूमियंस वगैरह आप देख लेना कपड़ों का, तो यहाँ पर मेरा कलर करेक्शन है वो मैंने सही कर लिया, कपड़ों का भी डन क्लिक करेंगे। डन क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी फोटो बिल्कुल मस्त हो चुकी है, कलर भी वापस आ चुके हैं, बिफोर आफ्टर दिखा दिया था मैंने। इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद क्लियरिटी ऐड करेंगे हम फोटो में, जो क्लियरिटी हमारी ऐड है तो क्लियरिटी हमने बढ़ा दी, सही लग रहा है। सही लगने के बाद यहाँ पर सही लुक आ चुकी है। अब जो विगनेंट है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, टेक्सचर फोटो में ऐड करेंगे। टेक्सचर फोटो में ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारी लुक भी बहुत अच्छी आ चुकी है। ओके तो भाई इससे पहले मैंने वीडियो डाली 5 अभी तक वीडियो चेकआउट नहीं करी तो वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये बटन में लिंक है तो जाके चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। ओके तो यहाँ पर हम सही हो चुके हैं, यहाँ पर लाने के बाद अब फोटो को हम शार्प बनाएंगे। तो शार्प में आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है, तो शार्प बनाने के बाद यहाँ पर हमारा शार्प देखते हैं हम कहाँ पर सही लग रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमने कराया 58 के आसपास रखते हैं, यहाँ पर सही लग रहा है शार्पनिंग। शार्पनिंग के बाद आप डिटेल रेडियंस को आप देख लेना जहाँ पर आपको सही लग रहे हो डिटेल वगैरह। ओके तो मेरा यहाँ पर सही हो चुका कलर करेक्शन। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेप है, जो कई कलर करेक्शन बैकग्राउंड वगैरह फेस वगैरह हमारा ब्राइट वगैरह सब कुछ हो चुका है, ये देखो बिफोर ये देखो आफ्टर। तो कोई सही लुक आ चुके हैं मेरे फोटो में। अब जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम फेस स्मूथ प्लस हेयर एडिटिंग। ओके तो यहाँ पर हमारे जो चश्मे में कलर है वो कैसे डालने हैं, तो वही अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ।
ओके गाइस, यहाँ पर हमने दूसरा स्टेप ओपन करा है, वो करा गाइस हमने फोटो प्लस स्केच बुक, इसमें हमने फोटो ऐड कर लिया। इसमें गाइस हमारा सब कुछ हो जाएगा, फेस स्मूथ, हेयर एडिटिंग, कलर जो चश्मे में डालने हैं, इसलिए गाइस तुम्हारे मैंने फोटो प्लस स्केच बुक ओपन कराया। तो ओपन करने के बाद पहले डालने वाले हम कलर चश्मों में, तो कैसे डालने वाले हैं तो देखते रहना आप, वीडियो को फुल वॉच करना। तो गाइस आपको जाना है लेयर वाले सेक्शन पे, लेयर वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको जाना है प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एम्प्टी लेयर बना लिया, एम्प्टी लेयर बनाने के बाद इस पर आपको वर्क करना है। तो वर्क करने के बाद टूल्स कौन सा ओपन करना है, टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद सब में ऊपर मिल जाएगा आपको, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो भी है ऑप्शन है ये देख लेना। तो आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, तीसरी लाइन में पहला ब्रश, तो पहला ब्रश हम सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग देख लेंगे। इसकी जो क्वालिटी है वो आपको शो रखनी है, साइज छोटा रखना, छोटा रखने के बाद आपको जौन सा कलर डालना चाहो आप वो डाल लेना। तो ओके, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कलर कौन सा सही लगेगा, तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट करा। ओके, तो जौन सा भी आपको डालना चाहो वो डाल लेना। तो बताता है तुम्हारा भाई कलर भी कैसे चेंज करने एक डालने के बाद। ओके, तो भाई आपको बस चश्मे पर ड्रॉ करना है, जहाँ आपका चश्मा है, ओके, जहाँ आपके चश्मे के शीशे हैं वहाँ आपको बस ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद आपके चश्मों में कलर डल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, गलत हो चुका था, तो आप देखते रहना। ओके, तो ऐसे आपको आराम आराम से करना है, देख देख के चश्मे के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बेकार लगेगा। बेकार लगने के बाद जो आपको पता है फिर हमारी फोटो हो जाती है बेकार। ओके, तो मैं कर लेता हूँ जल्दी, आप भी कर लेना। चश्मों में कलर डाल लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको देख लेना जो उनसे आपको सही लग रहा है वो देख लेना। तो भाई हमारा हो चुका है परफेक्ट तरीके से, हमने कलर डाल लिया। तो आपको चश्मे में कलर भी कैसे चेंज करने वो भी बताने वाला है। एक कलर डालने के बाद आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। जो आपको करना, आपको जाना है लेयर पर, जो आपको वर्क कर रहा था ना जो उनसी लेयर पर, आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको मिल जाते हैं पर HSL एडजस्टमेंट, इस पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ऊपर वाली जो ये बता ना कलर, ऊपर वाला कलर, तो इसे आपको ऊपर नीचे कर देना है, स्क्रॉल डाउन करते रहना, जो उनसे आपको सही लग रहा हो वो आप देख लेना। तो मैंने बस बताया जो मैंने कलर डाला था वही मेरे को बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पर हमने वाले कलर सेलेक्ट करा, डन क्लिक करेंगे। डन क्लिक करने के बाद हमारी कलर हो चुके हैं, डल चुके हैं चश्मे में। तो यहाँ तक हमारा ये वाला स्टेप खत्म होता है। स्टेप खत्म होने के बाद अब करने वाले हम फेस स्मूथ, तो फेस स्मूथ करते हैं हम। आपको जाना है लेयर पर, लेयर पर जाने के बाद जो आपकी लेयर थी ना वाली जो मॉडल की लेयर थी, इसे हमें डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको ये वाली लेयर पर वर्क करना है, ऊपर वाली लेयर पर। तो आपको टूल्स को ओपन करना है, टूल्स ओपन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग पर, जो भी है आपको जाना है टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद आपको मिल जाते हैं पर स्मज का ऑप्शन, तो स्मज वाला ऑप्शन मिल जाता है। स्मज वाला ऑप्शन जाने के बाद आपको दूसरी लेयर में दूसरा ब्रश सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला करने के बाद आपको सेटिंग देखनी है। सेटिंग करने के बाद आपको फ्लो 8 रखनी है, स्ट्रेंथ आपको 6 रखनी है, साइज छोटा रखना। छोटा रखने के बाद जो भी गाइज आप फेस पर जैसे गाइज ड्रॉ करते रहोगे आपको फेस स्मूथ हो जाएगा। तो आप ऐसे ड्रॉ करते रहना जैसे गाइज दिख रहा होगा आपको, दिखने के बाद जो भी गाइज हमारा फेस स्मूथ होता है ना वो गाइज अलग ही लुक आ जाती है हमारी फेस स्मूथिंग में। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा फेस स्मूथ हो चुका है हमारा। ऐसे गाइज आपको हल्का हल्का फेस पर ब्रश चलाते रहना, ऊपर नीचे जहाँ भी आपको फेस स्मूथ करना हो। तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है फेस स्मूथिंग पर, जिन्हें वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद उसका लिंक तो वाइट डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आई बटन में लिंक है, तो चेकआउट कर लेना वीडियो को। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो आप देख लेना फेस स्मूथ हमारा कितना अच्छा हो चुका है। दिखाया आप बिफोर आफ्टर दिखाता है तुम्हारा भाई, ये देखो बिफोर, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर, तो फेस स्मूथ कितना बड़े हो चुका है। ऐसे गाइज आपको पूरे फेस पर ड्रॉ कर देना है, और जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे आपका फेस स्मूथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो यार फॉलो कर लेना, लिंक इसमें स्क्रीन पर यूजर नेम मेरा होगा यस नेम 3, तो जाओ जाकर फॉलो करो। वहाँ तो भाई एडिटिंग सेटेड नए नए मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट वगैरह क्रिएट करता रहता है। अच्छे लगे तो यार फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर जो करना हो आप कर देना। तो मैं गाइज तो फेस स्मूथ कितना अच्छा हो चुका है, तो मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बता दिया तुम्हारा भाई ने कैसे करना है, तो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप भी कर लेना।
ओके गाइस हमने फेस स्मूथ भी कर लिया। आप दिखाता है तुम्हारा भाई, ये देखो आपने देख लो होगा, पूरी वीडियो वॉच कर दी होगी वैसे तो आपने बिफोर। ये देखो आफ्टर कितना अच्छा फेस स्मूथ हो चुका है बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में। तो गाइस ये था फेस स्मूथ ट्रिक, तो आपको भी पता लग होगा। आप गाइस हेयर एडिटिंग करते हैं तो हेयर एडिटिंग भी करने वाले हैं। तो गाइस आपको जो लेयर थी ना, ये वाली लेयर, इस पर गाइस आपको मर्ज कर देना है। मर्ज यहाँ पर, मर्ज का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, तो मर्ज पर क्लिक कर देना। ये वाली आपकी लेयर ए हो जाएगी। तो ए होने के बाद आपको हेयर एडिटिंग करनी है। हेयर एडिटिंग कैसे करनी है वो भी आपको बता देता हूं मेरा भाई। तो इस पर भी आपको डुप्लीकेट बना लेनी है वाली लेयर भी, तो जो हमने मर्ज करी थी। ओके, तो आपको जाना है टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर आर्टिस्ट का ऑप्शन। ये वाला आर्टिस्ट वाला ऑप्शन जाने के बाद ये वाला टूल्स ओपन करना है। ये वाला दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में दूसरा पुरुष, इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग देख लेना, सेटिंग देख लेना आप इसकी। गाइस फ्लो जो हमें रखनी है 18 के लिए, के बाद जो होती स्ट्रेंथ है 8 से 10 के बीच में रखना। साइज थोड़ा बड़ा रख लेना, 9 के या 10 के आसपास लगभग, तो देख लेना आप। तो गाइस जो हमारे हेयर थे ना, जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं उस डायरेक्शन में आपको ब्रश चलाना है ऐसे ऊपर की ओर, तो ऐसे आपको चला लेना। तो देखते हैं साइज कितना। तो साइज हमारा छोटा है, छोटा होने के बाद यहाँ पर साइज बड़ा करेंगे। तो ब्रश जो चलाना है वो आपको चलाना है ऊपर की ओर, तो मैं चला देता हूँ ऐसे। तो जैसे आप जिस डायरेक्शन में आपके हेयर है ना, उस डायरेक्शन में आपको हेयर एडिट करने हैं बिल्कुल ऊपर की ओर। ओके, तो आप देख लेना कितने अच्छे हेयर हमारे एडिटिंग हो रहे हैं तो प्रोफेशनल लुक में। ओके, तो भाई इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है हेयर पर, जिसमें तुम्हारा भाई ने अपने हेयर का सीक्रेट बता रखा है। वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी तो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बटन में लिंक है। तो इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हो 3-4 वीडियो जो भी तुम्हारे भाई ने बताई थी। ओके, तो मैं हमारे हेयर देख सकते हो कितने अच्छे हो चुके हैं। तो होने के बाद यहाँ पर भी हम ऊपर की ओर ले आते हैं जिस डायरेक्शन आपके हेयर हैं। ओके, यहाँ से भी हम ले आते हैं ऊपर की ओर। तो भाई हमारे हेयर भी एडिटिंग हो चुके हैं, तो बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं हेयर। लिखा आप बिफोर आफ्टर देखना चाहते हो तो आप देख लेना, ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। तो भाई सही लुक आ चुके हैं मेरी हेयर पर भी। तो अब जो हमारा मेन पॉइंट रह गया वो एक चीज़ रह गई है इस फोटो में जो हमारी कमी थी, वो है गाइस कट। तो कट भी बता देते हैं भाई कैसे लगाना है हेयर पर। ओके, तो यहाँ पर आपको कट कैसे लगाना है, आपको जाना है इस वाले सेक्शन पर, इस वाले पर टूल से ओवरऑल में जो पिलकर वाला आइकन है, पिलकर वाला आइकन में जाने के बाद यहाँ पर इस फोटो को थोड़ा जूम कर लेना जहाँ पर आपको कट लगाना है, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है गाइड्स का ऑप्शन, तो गाइड्स पर आप क्लिक करना। गाइड्स पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाले यहाँ पर लेयर मिल जाएंगी, लेयर सेक्शन आपको मिल जाती है। 3 लेयर गोल मिलेगी, एक राउंड शेप मिलेगी, एक जो पट्टी है वो मिलेगी। तो हमने ये वाली सेलेक्ट करी है बीच वाली, तो यहाँ पर आपको देख लेना। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको कट लगाना है वहाँ आप शेप देख लेना जहाँ पर आपको कट लगाना है। ओके, तो टूल्स पे जाना। टूल्स में जाने के बाद जो हमारा ये वाला था हेयर था ना, जो कस्टमर मैंने टूल्स बताया था, तो इसकी फ्लो और स्ट्रेंथ आपको 100-100 रख देनी है दोनों की। साइज गाइस लगभग 4 या 5 के आसपास रख लेना। 4 या 5 लगने के बाद आपको जो है यहाँ से आपको ब्रश चलाना है, ए यहाँ से ऐसे ऐसे चलाना है। तो ऐसे आप चलाते ना, तो ऐसे आप चला हुए, ओके, तो आपको कट लग जाएगा। कट आप ऐसे लगा लेना। तो मैं जल्दी से यहाँ पर राउंड शेप कर लेता हूँ हमारी शेप जो बिगड़ गई है। ओके, तो आप देख लेना गाइस हमारा कट भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। ये देख सकते हो आप कट हमारा गाइस ज़्यादा सीधा चला गया है। तो आप देख लेना शेप वगैरह, शेप आप सीधी कर लेना। यहाँ पर जो आपकी शेप थी ना वो आप गोल राउंड शेप कर लेना जैसा गाइस कट रहता है, तो आपको कट लगाना भी आ जाएगा। ये गाइस तुम्हारे भाई ने बता दिया है। ओके, तो गाइस फुल डिटेल में तुम्हारे भाई ने सब कुछ बता दिया है, हेयर एडिटिंग प्लस फेस स्मूथ। ओके गाइस, कलर कैसे डाल दे चश्मों में। तो गाइस हमारी यहीं तक थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो करें लाइक, कमेंट, शेयर करें। तो गाइस बहुत कुछ इस वीडियो में नया सीखने को मिला हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे एडिटिंग करते रहो। लव यू ऑल।